हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भारत खाना। आज हम मंगवा रहे हैं चाप, बोले तो मलाई चाप। आज हम जिस रेस्टोरेंट से मंगवा रहे हैं वो मेरा फेवरेट भी है और यहाँ से मैंने कई बार ऑर्डर कर चुका हूँ। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, ना मैं उसका नाम ले रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं। और इसके अंदर आप देख सकते हैं मैं जोमेटो से ऑर्डर कर रहा हूँ ऑनलाइन, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, शाम का टाइम हो चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना चाप मंगवाई जाए, मुंबई में आपको दिखाया कि कैसे मलाई चाप मिलती है। और यहाँ पर कई ही सारे रेस्टोरेंट हैं जो मलाई चाप आप देख सकते हैं कि मिलती है, पर मैं यहाँ से मंगवाता हूँ। और इस रेस्टोरेंट की आप रेटिंग भी देख सकते हैं और इसमें आप देख भी सकते हैं कि पास्ट मैंने कितने सारे ऑर्डर यहाँ पे मैं कर चुका हूँ। 2 महीने में मैंने कई बार बोला से 60 से ऊपर मैंने यहाँ पे ऑर्डर कर चुका हूँ। वो जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है वो है यहाँ की मलाई चाप और अफ़गानी चाप। और कई सारे आइटम को मैं ट्राई कर चुका हूँ जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ अलग से, अगर आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं उसके रेस्टोरेंट का। और मलाई चाप पे आप रिव्यू भी दे सकते हैं, 590 से ऊपर इसके रिव्यू हैं और 4.4 से ऊपर इसकी रेटिंग है मलाई चाप पे। और कई सारे आइटम हैं, आप इसको मंगवा सकते हैं अगर आप मुंबई में रहते हैं जोमेटो में। और ऊपर से आप देख सकते हैं कि 9.2 के लोगों ने इसको और इस रेस्टोरेंट को रिव्यू किया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कितना बेस्ट है। और ये मेरे घर से 4.5 या 5 किलोमीटर दूर है, तो चलिए इसको मैं ऐड ऑन कर लेता हूँ, अपने कार्ट में डाल लेता हूँ। और इसके ऊपर मेरे को 80 रुपीज़ का ओनली फॉर यू एक कूपन मिलता है। आप जानते हैं हर तरह के कूपन होते हैं जोमेटो में, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसको करने के बाद जो मेरा अमाउंट आएगा वो आया है 183 विदाउट डिलीवरी चार्जेस। अगर आपके पास जोमेटो की गोल्ड मेंबरशिप नहीं है तो आपको डिलीवरी चार्जेस जो है एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। यहाँ पे मेरे को फ्री है क्योंकि इनका एक मेंबरशिप प्रोग्राम है, उसको मैंने ले रखा है ऑलरेडी। और ये मैंने ऑर्डर कर दिया, तो हम देखते हैं ये हमारा जो ऑर्डर है वो आ चुका है। आप देख सकते हैं इस तरह की पैकेजिंग की हुई जोमेटो के, इस पर टेप लगे हुए हैं और आप आगे पीछे से देख सकते हैं। पैकेजिंग कोई ज़्यादा खास नहीं है, सोसो है अगर ऊपर से देखा जाए, कोई ज़्यादा ब्रांड वैंड कुछ नहीं लिखा हुआ, सिंपल पैकेजिंग है। तो चलिए इसको खोल लेते हैं और अंदर देखते हैं क्या क्या मिला है हमें। ये मिली हमें अनियन, ये प्याज है, आप देख सकते हैं इस तरह से इन लोगों ने इसको पैक किया हुआ है। चलिए इसको साइड में रख लेते हैं। और ये है चटनी, है ग्रीन चटनी मिलती है। और ये है हमारी मलाई चाप, आप यकीन नहीं करेंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है ये। इसको कई बार मैंने इसको ऑर्डर किया और आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं, अगल बगल से कहीं से भी लीक नहीं किया है। और इसकी जो क्वांटिटी है ये है 500 ml, आप इसकी मार्किंग देख सकते हैं डिब्बे के नीचे। तो चलिए इसके हम टेप को हटा लेते हैं और आप देख रहे हैं कि ये हल्का सा साइड से यहाँ इस तरह से हल्का सा लीक किया, ग्रेवी ज़्यादा नहीं है, इतना चल सकता है। और ये है हमारी मलाई चाप और देख सकते हो ऊपर तक मलाई लगी हुई है। और यहाँ के रेस्टोरेंट की एक स्पेशल मैं बात बोलूँगा, वहाँ पे स्पेशली मैंने खड़े होकर देखा था ये लोग मलाई चाप कैसे बनाते हैं, तो मैंने देखा था ये लोग मलाई का जो इस्तेमाल करते हैं वो है अमूल की मलाई का इस्तेमाल करते हैं। और ये है प्याज, हमने प्याज को निकाल लिया है और उसके ऊपर हम डाल लेते हैं चटनी, एक ग्रीन चटनी होती है, काफ़ी अच्छी लगती है प्याज के साथ मिला के खाने में मलाई चाप के साथ। तो हमने अपनी जो चटनी है प्याज के ऊपर निकाल दी है, उसको हम हल्के से देखते टॉस करके, देखिए ये है शिमला मिर्च और ये है प्याज, इसको अच्छे से रोस्ट किया हुआ है। और ये है चाप, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा क्रीमी है, पूरी चाप काफ़ी ज़्यादा क्रीमी है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से इन लोगों ने इसको स्टफ़ करके बनाया हुआ है। तो चलिए इसको टेस्ट करके आपको बताता हूँ कैसा लगता है, एक थोड़ी सी प्याज और शिमला मिर्च के साथ इसको टेस्ट करते हैं। और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा यमी है। आप चाहो तो उसको ऑनलाइन डिलीवर कर सकते हैं, नहीं तो वहाँ पहुँच कर भी आप सर्च करके वहाँ पर इसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस भारत का खाना।